अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पास 12 स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डीएचए वैली के अंदर लोगों की अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि जो फर्स्ट लॉटीज़ हैं, खासतौर पर पुराने लोग जो हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उनकी फ़ाइल ओपन है या ट्रांसफरेबल है या ओपनएबल है। बेसिकली डीएचए वैली के अंदर तीन तरह की फ़ाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें ओपन फाइल है जो ओपन मौके पर मौजूद है, दूसरी ओपनएबल फाइल है जिसको आप ओपन भी करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है ट्रांसफरेबल फाइल होती हैं। जो फाइल एक दफ़ा ट्रांसफरेबल हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, वो दोबारा ओपन नहीं हो सकती। हाँ, जो फर्स्ट अलॉटी है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी नॉन वैलिड फ़ाइल को ओपन भी करवा सकता है, ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। लेकिन अगर एक फ़ाइल ओपनएबल है और वो वैलिड में कंसीडर हो गई, तो उसके बाद फिर वो ओपन नहीं होगी, फिर उसको उस फाइल को ट्रांसफ़र ही करवाना पड़ेगा। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि यार ओपन और ट्रांसफरेबल फ़ाइल का हमें पता कैसे चलेगा। सर, सबसे बड़ी निशानी तो उसकी ये है कि अगर आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई है, उसको अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। अगर वो आपके पास मौजूद है तो आपकी फ़ाइल ट्रांसफरेबल है। अगर आपके पास इसका अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर तस्वीर नहीं है, उसको हम ओपन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसकी एक निशानी ये भी है कि इसकी बैक साइड पे आपकी इंडोर्समेंट होती है। आप डीएचए ऑफिस में जाते हैं, वो बैक साइड पे आपके सिग्नेचर करवा लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपके कोई तस्वीर नहीं होती, वो ओपन फाइल है। अगर वो भी नहीं है तो आप एक सिंपल तरीका ये है ओपनएबल फाइल का, तो इस तरह से चेक नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ओपन और ट्रांसफ़र फाइल जो है इनका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस स्टेटमेंट में यहाँ से मैंने DYI और नंबर जो था वो काट दिया है, बंदे का नाम जो है वो काट दिया है, ताकि वो सारी जारी बात हर बंदे की प्राइवेसी होती है। आप अपनी स्टेटमेंट को पकड़ें, स्टेटमेंट के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपका DYI नंबर लिखा होता है। DYI नंबर के नीचे अगर तो आपका नाम लिखा हुआ है तो आपकी फ़ाइल जो है वो ट्रांसफरेबल है, और अगर DYI नंबर के नीचे कोई नाम नहीं है, कोई सिर्फ DYI नंबर है, नीचे जगह सारी खाली है, तो फिर आपकी फ़ाइल जो है ये ओपन फाइल है। ऐसा पहले नहीं था, ये 2 महीने पहले DHA ने ये स्टार्ट किया है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। आप अपनी स्टेटमेंट को देख के ही ये जज कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल ओपन है या ट्रांसफरेबल है। इंशाल्लाह हम इस तरह की मजीद जो इन्फॉर्मेशन है आप तक शेयर करते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, DHA से रिलेटेड, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।